कितना गर्म पानी आप जो देख रहे हैं ना, ये देखिए कैसा धुआं निकल रहा है, ये देखिए भाई कितना गर्म पानी आपको मिलेगा हॉट स्प्रिंग। और ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल, इसी से लंगर बनता है, इसी सब कुछ। और देखो जगह जगह पर वहाँ भी धुआं निकल रहा होगा, यहाँ भी धुआं निकल रहा होगा, ये आप देखिए भाई, ये इतना गर्म पानी। और यहाँ पर आप देखोगे पूरा ना जल गया, इतना हॉट मतलब वाटर होता है कि जमीन भी पूरी तरह से जल चुकी है। ये देखो कितना वो होता है, मतलब कुदरती पानी निकलता है यहाँ पर और सारा लोग यहाँ उधर नहाते हैं। तो कैसे हो दोस्तों, एक नया दिन, एक नया सफर। तो फाइनली दोस्तों आज हमारा सफर शुरू हो रहा है कसोल से मणिकरण के लिए, जो कि लगभग यहाँ से है वो 3.5 किलोमीटर। तो अगर पैदल जाओगे तो 1 घंटे का रास्ता हो जाएगा, क्योंकि ट्रैकिंग वाला रास्ता है, ठीक है। और अगर बाइक से जाओगे तो 13-14 मिनट लगते हैं, और अगर शेयरिंग से जाओगे भी तो 15-16 मिनट के आसपास लगते हैं। अब वहाँ पर जाना है क्योंकि बहुत जगह बहुत फेमस है। यहाँ पर पीछे होटल था, ये यहाँ कसोल की मार्केट है, और टाइम जो है इस समय लगभग 5:30 बज रहे हैं। तो अगर ये डिसाइड करना है हमें पैदल जाना है नहीं जाना है, पहले सोचेंगे अगर शेयरिंग मिलती है तो शेयरिंग से जाएंगे। तो अब देखना कि शेयरिंग कहाँ से मिलती है मणिकरण के लिए। तो ये लोकल मार्केट है कसोल की, और देखो, और भाई यहाँ का मौसम इतना प्यारा लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने पता किया कि यहाँ पर ना टैक्सी स्टैंड है, यहाँ से पता करते हैं कि यहाँ से तुम्हारे की शेयरिंग मिलती है या नहीं मिलती है। तो भाई यहाँ से मैंने टैक्सी करी है वाली, और ये एग्जैक्टली आपको करनी पड़ती। चलो भैया, तो भाई मणिकरण के लिए यहाँ से टैक्सी मिलती है, और टैक्सी मैंने खुद ही कर ली दीदी। तो इन्होंने 300 रुपये बताया, बोले यार ये एक रेट होता है क्योंकि पहाड़ी इलाका होता है, तो ज़्यादा नहीं है, 3-3.5 किलोमीटर के आसपास है। तो एग्जैक्टली मेरा मन था ट्रैकिंग करने का, मतलब यार इधर से जाऊँगा तो थोड़ा अंधेरा हो सकता है, उधर से तो मैं कैसे भी आ सकता हूँ। तो भाई मौसम ऐसा है यहाँ पर, सुबह शाम की तो थोड़ी ठंड रहती है, दोपहर में तो मौसम बहुत ही शानदार हो जाता है। फिर भी मैंने क्या करा, टी शर्ट पहन रखी है, लेकिन साथ में एक जो है टी शर्ट मैंने बांध ली थी फुल आस्तीन वाली। और ये जगह फेमस क्यों है भाई, यहाँ पर ना दो बिलीफ है, एक तो जो सिख भाई होते हैं उनका बिलीफ है, जो गुरु नानक जी हैं उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो है ध्यान लगाया था, और उनके जो शिष्य थे मर्दाना, उनके जो भूख लग रही थी तो उन्होंने लंगर के लिए यहाँ अरेंजमेंट किया था। अब लंगर जब आसपास गए होंगे तो लंगर का सामान तो मिल गया, बट वहाँ पर आग के लिए कोई ईंधन नहीं था। तो हुआ क्या था कि गुरुदेव जी, मतलब जो गुरु नानक जी हैं, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो पत्थर है उसे हटाओ। जैसे ही वहाँ से पत्थर हटाया, वहाँ से गर्म पानी निकलने लगा, हॉट स्प्रिंग, और उसी से लंगर बन गया। तो बहुत ज़्यादा ये फेमस जगह है, वहाँ पर आपको हॉट स्प्रिंग्स बहुत मिलेंगे, और मतलब आज भी जो लंगर बनता है ना उसी गर्म पानी से बनता है, है भैया, गर्म पानी से बनता है। तो ये तो है जो सिख लोग हैं उनका बिलीफ है, सिख भाइयों का बिलीफ है। वहाँ पर जो हिंदू कल्चर है उनका ये बिलीफ है, बताया जाता है कि जो माँ पार्वती हैं उनके जो कहते हैं ना वाली, वो खो गई थी, तो उनका भी बिलीफ बताया जाता है, क्योंकि कण यानी कान और वाली को वो बोलते हैं तुम्हारी मणि, तो इसी तरीके से मणिकर्ण नाम है ये। तो एग्जैक्टली अब मैं लोकेशन दिखाता हूँ, ये लोकेशन पर हम सीधे जा ही रहे हैं, और ये आप देख सकते हो मुझे यहाँ पर गाड़ी जो चलती है छोटी छोटी चलती है। एग्जैक्टली ये लोकेशन की बात करूँ तो ये है पार्वती वैली, और यहाँ पर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ घूम सकते हो, कैंपिंग कर सकते हो। तो भाई कसोल मुझे बहुत अच्छी जगह लगी घूमने की, बहुत ही शानदार। तो चलो अभी मैं आपको सामने का व्यू दिखाता हूँ और इन्जॉय करते हैं। रास्ते थोड़े यहाँ के खतरनाक होते हैं, ये पूरी पार्वती नदी है और उसी के बराबर में, इसलिए आप आओगे ना कई बार दिल्ली से आओगे तो ज़्यादातर आपको वंतर ही रोक दिया जाएगा। कसौली के लिए आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, क्योंकि थोड़े रास्ते पर काम चल रहा है। ये देखो भाई व्यू इतना अमेजिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा भाई मन लगता है आपका जब आप इस लोकेशन पर आते हो तो। ये देखो भाई जस्ट सामने ना आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वहाँ पर ना स्नो वाला जो है पहाड़ है वो एग्जैक्टली जैसा जो ये रास्ता वो है, आगे जाकर के ओम पर्वत है, और तुम्हारे की ये देखो वो उधर, ये देखो वाइट इसके बीच हुआ है, जगह इतनी प्यारी है ना, मतलब आपको जाते हुए रास्ते में हॉट स्प्रिंग्स मिलेंगे, और तुम्हारे की नेचर लैंडस्केप ये बहुत कुछ मिलेगा आपको देखने के लिए यहाँ पर।
कहते हैं ना कि मंजिल से ज़्यादा जो मज़ा होता है वो सफ़र का होता है। ये देखो भाई, ये रास्ते बड़े एडवेंचर वाले रास्ते हैं और बहुत ही खतरनाक वाले रास्ते। ये देखो, तो फाइनली दोस्तों हमें टैक्सी ने यहाँ उतार दिया। यहाँ से अभी नीचे चलना है और नीचे चलते हैं और यहाँ से अभी हम आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ का। तो भाई ये है रास्ता गुरुद्वारे का और बहुत ही फेमस जगह। मेरी बहुत क्यूरियोसिटी थी इस जगह पर आने की। ये देखो, ये पूरा गुरुद्वारा है। इससे पहले मैं किसी गुरुद्वारे में गया हूँ ना, तो वो अमृतसर में गया हूँ। और भाई अभी पता मौसम ऐसा है कि एग्जैक्टली तेरा ठंडा है, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्टली इतना गर्म पानी होता है बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये आप देख सकते हो, ये है गुरुद्वारा और मणिकर्ण गुरुद्वारा। और यहाँ पर देखिए होट स्प्रिंग्स, कितना गर्म पानी होता है, ये यहाँ की खासियत होती है। ये देखिए भाई कितना गर्म पानी आप जो देख रहे हैं ना, ये देखिए कैसा धुआं निकल रहा है। इतना गर्म पानी आपको मिलेगा हॉट स्प्रिंग, और ये नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल। इसी से लंगर बनता है, इसी सब कुछ। और देखो जगह जगह पर वहाँ भी धुआं निकल रहा होगा, यहाँ भी धुआं निकल रहा होगा, ये आप देखिए भाई। और ये इतनी फेमस लोकेशन है बहुत ही ज़्यादा। और देखो वहाँ पर लोग जो नहा रहे हैं, ये देखो आप नहा सकते हो। वो वाली जगह चलते हैं, पहले वो जगह दिखाता हूँ आपको, फिर उसके बाद जो है हम इसमें लंगर में चलेंगे। तो भाई ये है वो गुरुद्वारा, मणिकर्ण गुरुद्वारा ससुरकाल, तो जिसमें भाई मैं बहुत समय से देख रहा था इस जगह को, और यहाँ आने का मुझे मौका मिला। और अभी हम जाएंगे जहाँ पर जो है एग्जैक्टली वहाँ पर जो जहाँ पर लोग नहा रहे हैं। तो यहाँ से मैं लेकर चल रहा हूँ आपको नीचे, ये है भाई। और ये जो वाटर है ना दोस्तों, नेचुरल वाटर है। यहाँ पर क्या है, आप नहा सकते हो सारे लोग। ये देखिए, ओ भाई बहुत गर्म पानी है, कसम से बहुत गर्म पानी है। ये देखिए सारे के सारे लोग नहा रहे हैं, आप आकर यहाँ नहा भी सकते हो। और उधर देखो भाई कितना धुआं हुआ निकल रहा है पानी में, जो भी लोग नहा रहे हैं। ये एग्जैक्टली इतना गर्म पानी है, मतलब इतने जाड़े में भी, इतने ठंड में भी ना, यहाँ से इतना गर्म पानी निकलता है। और ये सारा नेचुरल देखो, वहाँ से निकल रहा गर्म पानी, ये देखो भाई। तो भाई ये देखो एक तरह से अजूबा, इतना गर्म पानी बहुत ही ज़्यादा। और पता है इसके अंदर लोग बैठ के क्यों नहीं नहाते, क्योंकि आदमी ना मतलब बहुत हालत ख़राब हो जाएगी इसमें। तो भाई ये आप देख सकते हो, ये इतना गर्म पानी, और यहाँ पर आप देखोगे पूरा ना जल गया, इतना हॉट मतलब वाटर होता है कि ज़मीन भी पूरी तरह से जल चुकी है। ये देखो कितना वो होता है, मतलब कुदरती पानी निकलता है यहाँ पर और सारा लोग यहाँ उधर नहाते हैं। तो एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया था कि जो गुरु नानक जी थे वो उन्होंने यहाँ पर ध्यान लगाया, और उनके जो शिष्य थे मर्दाना, वो आप देख सकते हो। और यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ था कि लंगर हुआ था। तो ये मैंने आपको कहानी बताई, और अभी तो ये लंगर चल रहा आ रहा है, और सिख लोग तो आपको पता है लंगर के मामले में कितने आगे होते हैं। तो अभी जो हम चलेंगे, ये देख सकते हो, और यहाँ भी ना बहुत गर्म पानी होता है इस जगह भी। तो भाई यहाँ पे पानी देखो, ये इतना गर्म पानी होता है कि देखो पूरे खंभे ना वो भी जल चुके हैं। ये देखो भाई, तो भाई अभी हम जो है आ गए, लंगर हमने छका था भाई। क्या जिस तरह का काम होता है ना इनका, सलूट है मेरे सिख भाइयों को। और भाई वाकई में ये जगह ना कुदरती है, स्पेशली ये देखो अंदर जो जितना भी लंगर बन रहा था ना, वो सारा इसी गर्म पानी से बन रहा था, और बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। और सबसे बड़ी बात थॉट्स जो है ना, किसी तरह कोई बिजनेस नहीं, कोई बंदा लंगर के नाम पर या किसी नाम पर पैसे नहीं ले सकता। ये जो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। ये भाई यहाँ का कुछ भी इस तरह का व्यू है, ये आप देख सकते हो, ये देखिए। और यहाँ पे ये कार पार्किंग होती है भाई, जो कि बिल्कुल फ्री होती है। मतलब जिस तरीके से सेवा भाव होता है ना भाई, ये तो देखो जब मैं अमृतसर गया था वहाँ भी देखा था मैंने, एक रुपए का बिजनेस नहीं किसी भी बाहर वाले इंसान से। और इसीलिए आज आप देखो, मतलब ये मान के चले कितना अच्छा ये सब कुछ चल रहा है। और यहाँ पे भी चाहे वो कार पार्किंग हो या कुछ भी हो, किसी तरह का भी कोई कुछ नहीं। और थॉट्स मुझे बहुत पसंद आए। तो भाई ये जगह मैंने आपको दिखाई, और वाकई में ये जगह बहुत ही अच्छी है। तो भाई बाहर से कुछ ऐसा व्यू दिखाई देता है,
मणिकर्ण का, ये आप देखिए। और ये एग्जैक्टली पूरा जो कसोल है ना, वहाँ से 3 किलोमीटर जब ऊपर आओगे ना तो वहाँ पर है। तो भाई आप जाकर आओ तो स्पेशली इस जगह पर ज़रूर आना, बहुत ही शानदार जगह है और लाजवाब। और यहीं पर सटा हुआ ये विलेज मणिकर्ण विलेज, देखो यहाँ पर आपको बहुत घर मिलेंगे लोगों के रहने के लिए, गेस्ट हाउस मिलेंगे। यहाँ पर चाहो तो आप नाइट स्टे वगैरह भी कर सकते हो। देखो मौसम ठंडा रहता है, लोग ताप रहे हैं यहाँ पर। और भाई थोड़ा पहाड़ों वाला एरिया तो वो तो आपको पता ही है, ठंड तो रहती है। अब ऐसे में यहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं इन लोगों के लिए बहुत एक तरह से होप होती है। ये पूरा देखो मणिकर्ण देखोगे, ये देखिए। और जब आप अगर अपनी सवारी से आ रहे हो, एग्जैक्टली अपनी कार से आ रहे हो, उसका रास्ता ये है। और यहाँ से घूमते हुए पूरा ये पार्किंग जाता है, यहाँ से ये रास्ता है, ये देखो पूरा पार्किंग के लिए जा रहा है, ठीक है। उधर गुरुद्वारा है, ये देखिए। और अगर पेड पार्किंग है तो भाई फिर आगे है। तो भाई ये देखो पूरा जो व्यू देखोगे ना, ये मणिकर्ण का है, ये देखिए। यहाँ सामने मंदिर भी है, श्री राम मंदिर। मैंने कहा ना कि जगह हिंदू भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह है, सिख भाइयों के लिए तो है ही। और सामने देखो एक ब्रिज सा है, उस ब्रिज से जो है तुम उससे उस साइड भी जा सकते हो। जैसे एक ब्रिज तो यही है और एक ब्रिज आ गए, तो ये आप देखिए पूरा व्यू इसी तरह का। और यहाँ पे आपको गेस्ट हाउस रूम वगैरह मिल जाते हैं और रेट भी ठीक ठाक होते हैं, मतलब यहाँ पर ज़्यादा इतना स्कैम होता नहीं है। ये आप देखिए भाई पूरा व्यू।